ब्रोकली की ये रेसिपी सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी है। ये वेट लॉस में भी फायदेमंद है और बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाते हैं क्योंकि उन्हें पता जो नहीं चलता कि इसमें ब्रोकली है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ब्रोकली को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। अब इसको एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें 500 ml गर्म पानी डालना है और इसको ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से अगर ब्रोकली में कीड़े हैं तो वो भी निकल जाएंगे और ब्रोकली थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। 5 मिनट के बाद इसको पानी से निकालकर एक स्ट्रेनर में डालकर इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे। जब सारा पानी स्ट्रेन हो जाए उसके बाद इसको फाइन चॉप कर लेंगे। आपसे जितना हो सके इसको उतना ही बारीक चॉप करना है। जब सारी ब्रोकली चॉप हो जाए तब इसको एक बाउल में रख लेंगे और इसमें अब कुछ वेजीज और मसाले मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले इसमें 2 अंडा डालेंगे, उसके बाद बारीक कटा प्याज, बारीक कटा टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला और स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे घर में मेरे बच्चे भी ये रेसिपी पसंद करते हैं इसलिए मैं इसे थोड़ा सिंपल ही रखूँगी। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको मीडियम हीट होने देंगे और उसके बाद ब्रोकली के मिक्सचर को इसमें डालकर अच्छे से फैला लेंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। आप चाहे तो इसमें अपने हिसाब से ज़्यादा ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैं कम तेल का ही यूज़ करूँगी। अब 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको इसी के लिड पर इस तरीके से केयरफुली निकाल लेंगे और इसको फ्लिप करके दोबारा से पैन में डालकर थोड़ा सा और ऑयल चारों तरफ से डाल देंगे और इसे ढककर फिर से 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये ऑमलेट कितना फ्लफी हो गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम इसको पैन से निकालकर अपने पसंद के सॉस या डिप के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।